थी कि वाकई उनके सेकंड पार्ट में जो एक साल बीता है बहुत अच्छा सुखद रहा। ये तो जनता से पूछ लो, जनता से बात बता देगा। मैडम आप राजनीति ये कह देते हैं, लेकिन असली बात तो ये है कि आप इस चीज से आकलन लगा लीजिए कि कोरोना तो अब आया, इस साल में आया, उससे पहले ही आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल गिर चुकी थी, बिगड़ चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। ये तो कोरोना आया तो वो चीज़ ये छिपा रहे हैं, कोरोना की अवार्ड ले रहे हैं। चलो वो एक अलग आपदा है, दुनिया भर की है, देश भर की है, लेकिन ये तो बताएं कि आपने एक साल में करके क्या दिखाया और आप क्या सेलिब्रेट करना चाह रहे हो? क्या सेलिब्रेट करोगे इस एक साल का? सेलिब्रेट करने का कुछ है जब सारा देश पीड़ित हो रहा है और आप जश्न मनाना चाह रहे हो? किस चीज़ का जश्न मनाओगे? क्या दिखाओगे लोगों को आप? क्या किया है आपने? क्या अचीवमेंट है आपकी जो कोरोना की लड़ाई है उसमें आपने क्या किया है? लोगों के रोजगार जो गए हैं उनको आप क्या राहत दे रहे हैं? आज के दिन बेरोजगारी चरम सीमा पर, अपने हरियाणा का ही उदाहरण ले लीजिए, CMI के रिपोर्ट के मुताबिक 43% तक अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन गिर रहे। राहुल जी ने कितने लोगों से बात की अभी, राहुल बजाज जी से जो बात, राजीव बजाज जी से जो बात हुई है उनकी, राजीव बजाज जी ने दो टूक सुनाई है सारी बात सरकार की नाकामियाँ खामियाँ। फिर बात करने में कैसे नीचे डिलीवरी में जीरो है। कांग्रेस कर रहे हैं पर उन्होंने ऐसे समय में बहुत सेवा की है, निजी रूप से की है, पार्टी के हिसाब से की है। आगे हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे, हमने जहाँ जन सेवा तो करनी है साथ में पार्टी को भी मजबूत करना है और पार्टी का जो हमारा संदेश है जन जन तक पहुँचाना है, सोनिया जी का, राहुल जी का, पार्टी का संदेश लोगों तक असली बात हमारी रखें और आईना दिखाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असली चेहरा लोगों को। मीडिया का भी एक बहुत रोल होता है। कृपया किसी चीज़ को हम ये कम्युनल रंग ना दें, किसी भी चीज़ को। जोड़ने का समय होता है, तोड़ने का नहीं। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये कुछ मतलब नहीं है, सब हम हैं, सब नागरिक हैं, मिलजुल के चलेंगे। आज लड़ाई है कोरोना से, आज लड़ाई है आर्थिक जो इतनी दिक्कत है उससे, हम उसके बारे में बात करें और मिलजुल कर हल निकालें, सब भाई भाई। पर मैडम ये बताइए कि क्या चीज़ को भी अगर कोई भी दायरा हो उसमें सबको मिलजुल कर, सबको प्रोटेक्शन भी मिले और सब मिलजुल कर रहे, ये ही एक संदेश सबने पहुंचाना हो। मैडम बसपा नेता की उनके कैसे हौसले हैं कि सरकारी कर्मचारियों को सरेआम मारपीट करते हैं, खुद ही वीडियो खींच रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। सर ये हद है, चोरी सीमा चोरी और कैसे सरेआम ऐसा होता है? अगर दिक्कत थी, अगर कोई महिला की दिक्कत थी, क्यों नहीं पुलिस में जाते? आपकी सरकार है भैया, आप तो जो रूलिंग पार्टी है उसका हिस्सा हो, या आपको अपना विश्वास नहीं है अपने प्रशासन और सरकार पर? पुलिस साथ खड़े थे करिए, तुम उनके खिलाफ केस दर्ज करो, आपके कहने से सब कुछ होगा। और आप इस तरह से कर रहे हो, सरकारी कर्मचारियों को नहीं आप बख्श रहे हो, कैसे काम लोगे? पहले पिटाई होती है और बाद में मामला उड़ रही है इस सरकार में, धज्जियां उड़ रही है। पहले पिटाई होती है और बाद में मामला भी दर्ज होता है छेड़छाड़ का, उसी अधिकारी पे। तो पहले कर लेते भाई, पहले कर लेते, क्या जरूरत है? मैडम इसी में एक अपडेट है कि करनाल के सांसद वहाँ रिपोर्ट लेने गए थे सारे मामले की, उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, उन्होंने कह दिया कि इसमें सोनाली उन्होंने पता नहीं नियुक्त किया था क्या किया था, तो वो तो इंक्वायरी तो कुछ और ही है, इनकी पार्टी की इंक्वायरी होगी हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इंक्वायरी तो दूसरी होनी चाहिए ना, उनकी पार्टी की इंक्वायरी का क्या मतलब है? तो जो सरेआम सार्वजनिक रूप से हुआ है उसके बारे में तो उनका भी तो एक नजरिया है जिसको आदमी को सरेआम पीता है, देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की सेहत भी तो मायने रखती है।
मैडम उस कोरोना में आप विपक्ष में हो तो क्या इस पे कोई मुद्दा इस चीज़ को उठाए जा रहे हैं? आज कोई नई बात नहीं है, ये ऐसे मनमानी फीस बढ़ा देते हैं और नहीं, ये तो नहीं, एजुकेशन तो शिक्षा तो इसके मापदंड सरकार को तय करनी है कि इनके पास ना तो कोई नीति है, शिक्षा नीति ऐसे मौके की आप बनाओ ना, क्यों नहीं बना पा रहे हो आप? आप कुछ क्लियर डायरेक्शन ही नहीं दे पा रहे हो। जो निजी स्कूल हैं उनको आप डायरेक्शन दो, उनको आप बताओ कि आप इस हद तक जा सकते हो, उसके बाद नहीं जा सकते। बच्चों की शिक्षा है उसके बारे में आप नीति लाओ, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं चाहे यूनिवर्सिटी के बच्चे, लेकिन कोई नीति नहीं ला पा रहे हैं। नीति के बिना सरकार चलती है, आज कुछ कह देंगे कल बदल देंगे, यू टर्न। हमने देखा धान के मामले में पानी बचाना, हमने पानी बचाना, क्या पानी बचाना है ये तो बताओ, अपनी दादूपुर नदी का क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी ने मेरे से बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने मेरे से बात की थी कि आप सहयोग करना चाह रहे हैं। हमने कहा हाँ, हमने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा वो हमारी तो आपने किराए के रूप में दी थी या मुख्यमंत्री कोष में दिया? देखो मैंने उनसे पूछा, हाँ ठीक है, मैंने भी यही सवाल पूछा कि हम सहयोग करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमिटमेंट है कि जो इनके द्वारा जो लोग अपने दूसरे राज्यों में अपने घर जाना चाहते हैं आप उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं तो ये गलत बात है, हम उसमें सहयोग कर सकते हैं। तो खुद मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप सहयोग करना चाह रहे हैं, हमने कहा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है तो हमारी कमिटमेंट है, आप बताइए। फिर रामकिशन जी और जैन साहब दोनों गए, 40 लाख का हमने सहयोग दिया है। हिसाब से माना जाए तो कांग्रेस ने मजदूरों को जाने का किराया दिया, ये माना जाए कि कांग्रेस ने मजदूरों को जाने का किराया दिया, किराया दिया उसमें सहयोग दिया, सहयोग तो हम और भी दे रहे थे। आप देखो जमीन पर हमारे लोगों ने कितना सहयोग दिया, ठीक है वो उनके फंड में नहीं गया लेकिन कल को उस फंड का ब्यौरा तो जनता मांगेगी ना, सिर्फ कांग्रेस नहीं है, अगर आपने भी उस फंड में पैसा दिया आप भी जानना चाहोगे कि भाई कहाँ खर्च हुआ है, किस चीज़ में खर्च किया आपने, क्योंकि आपने सच्चे मन से वहाँ पैसा दिया सहयोग के रूप में, तो उसका पता तो चले कि कैसे खर्च किया। आगे जनता सवाल करेगी उनसे, सहयोग की जहाँ तक बात आई आपको याद होगा प्रियंका जी यूपी कांग्रेस ने मिलकर हजारों बसें इकट्ठा की खड़ी की, आपने सबने विजुअल्स देखे, लेकिन राज्य सरकार का क्या रवैया था? केवल छोटी राजनीति का, वहाँ का लखनऊ भेजो पहले बसें, ये क्या प्रैक्टिकल बात है? इनमें से कई हैं जो जिनके नंबर ठीक नहीं है, तो भी कुछ नहीं है तो लेकिन इतनी तो खड़ी है उनका इस्तेमाल करो। और प्रियंका जी ने कहा कि भी आप अपने झंडे लगा लो, हम तो सिर्फ मदद करना चाह रहे हैं, मदद ले तो लो, मदद लेनी तो आनी चाहिए, लेकिन आपकी राजनीति सोच, हमारे यूपीसीसी के प्रेसिडेंट अल्लू जी को इन्होंने अंदर कर दिया और आज तक जेल नहीं गए। कोई बात है, एक तरफ से सहयोग मांग रहे हैं, दूसरी ओर से इतनी छोटी सोच और छोटी राजनीति, क्या सरकार ये सरकार चला रहे हैं? मैडम एक सवाल और, ऐसा क्या था कि जब 150 व्यक्ति कोरोना पीड़ित था तो लॉकडाउन कर दिया, अब लाखों की तादाद में पहुंच गए तो लॉकडाउन खोल दिया, सारे धार्मिक स्थल खोल दिए, लॉकडाउन खोल दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि आपके पास इंतजाम क्या है, क्या आपके पास पीपीई किट्स हैं, क्या आपके पास हॉस्पिटल्स में सुविधाएं हैं, क्या आपके पास क्वारंटीन के लिए कुछ निर्देश हैं, चेकिंग की कोई बात है? यहाँ हमारे बेचारे तो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेस हैं, सफाई कर्मचारी, मैं तो कहती हूँ पुलिस वाले भी हैं फ्रंटलाइन वॉरियर्स, इनके लिए आपने क्या इंसान क्या कारण है कि पीजीआई रोहतक में कितने सारे हमारे डॉक्टर्स और सब बल्कि जो हेड कर रहे थे डॉक्टर ग्रुप वो खुद संक्रमित हो चुके हैं? सरकार कर क्या रही है, क्या कर रही है, इंतजाम बताएं, टेस्टिंग क्या हो रही है उसका बताएं। मैडम मोदी सरकार